अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन मिसकंसेप्शंस पे जो पाकिस्तान के बारे में इंटेंशनली और अन इंटेंशनली फैलाई जा रही हैं, और उनको हवा उस वक़्त ज़्यादा मिली और लोगों ने इस बात पे ज़्यादा यकीन करना शुरू कर दिया, ख़ास करके हमारी यंग जनरेशन ने, जब 80s के बाद पाकिस्तान तनाज़ुली का शिकार हुआ। वो मिसकंसेप्शंस कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान के मुतालबे के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म और आज हम देखते हैं सेक्टेरियनिज़म, उसको उसकी वजह तलाश की गई और कहा गया कि उस मुतालबे में ही ये चीज़ें जो थी दबी हुई थी, जो कि वक्त के साथ साथ ग्रो की। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में का भी इसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कायदे आज़म ने या नेहरू ने या पटेल ने, कौन जैसे इंडिया में इसको समझा जाता है कि कायदे आज़म को पार्टीशन का विलन और पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने का हीरो तसव्वुर किया जाता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि मुतालबा हुआ क्यों था, किसकी तरफ से हुआ, कायदे आज़म का रोल क्या था, बाकी पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, और वो तहरीक जो है पाकिस्तान की जो तहरीक है जिसको लोग जो है डिफरेंट नामों से याद करते हैं, उसके जो मिसकंसेप्शंस मोटी मोटी बातों पर है उन पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो झूठ बोले गए पाकिस्तान के वजूद को मुतासिर करने के लिए। इसमें मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे पाकिस्तान से इमरान अली, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में एज अ डायरेक्टर जो है वो के अहदे पर हैं। इमरान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा, इसमें इस प्रोग्राम में हम जिन और भी मिसकंसेप्शंस हैं पाकिस्तान के बारे में जिन पे बात करेंगे, लेकिन जो मेरे जिस बात से मैं आगाज़ करना चाहती हूँ उस वो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो मुतालबा था मुसलमानों के लिए एक रियासत लेने का, उसके अंदर ही वो बीज बो दिया गया था जो आज हमें एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और सेक्टेरियनिज़म की सूरत में नज़र आता है, या कुछ लोग इसको करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तलाश करते हैं, आप क्या समझते हैं? जी रवीना, थैंक यू। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बड़ा डायरेक्ट है, और जिस किसी ने तारीख पढ़ी होगी उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर पाकिस्तान के मुतालबे में कोई किसी चीज़ की का फ्लॉ था या कोई कॉन्ट्रडिक्शन थी, तो उसके इफेक्ट्स हमें पाकिस्तान के बनने के बाद नज़र आने चाहिए थे, लाइक 40s की डेकेड में, लेट 40s में, 50s में, 60s में, 70s में। सही। अब पाकिस्तान 1950s में एक बड़ी प्रॉस्परस, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो जमशेद मार्कर साहब की किताब आई है कवर पॉइंट, अगर उसका कवर दिखाएं तो उसमें वो देखेंगे कि वो कहते हैं कि 50 की दिहाई में, अब तारीख में लगता है कि बड़ी टॉपसी टर्वी थी, लेकिन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेकेड्स। सिमिलरली 60s में पाकिस्तान इंटरनेशनली भी जबरदस्त था। प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, first to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. With President Ayub is his lovely daughter Begum Aurangzeb. The two presidents are joined by American Secretary of State Dean Rusk and other dignitaries. Mrs. Kennedy and Begum Aurangzeb exchange greetings. President Ayub makes his way along the reception line, while President Kennedy greets each member of the visiting Pakistani party. Prominent among them are Pakistan's Minister of External Affairs, Manzoor Qadir, and Minister of Finance, Mohammad Shoaib. Invitation, President Ayub is on his way to address a joint session of the Congress of the United States. The two houses will convene together as a signal honor to the visiting head of state.
I regard it as a great privilege to have been given the opportunity to address this august body, the most powerful and the most distinguished representative institution in the world. I come from Pakistan. In his address, President Ayub reviews the grave problems which face his country. He tells the representatives of the American people that if Pakistan is to retain its dearly loved freedom, it must modernize its education, its agriculture, and its industry. He acknowledges the great value of American assistance to Pakistan and states that his country takes a keen interest in the way things go in the United States. Ending his address, he expresses his confidence that the friendship between Pakistan and the United States will continue to grow in strength. साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लेके गया. पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया के लिए एक एग्जांपल था. पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म तो दूर की बात है, किसी किस्म की इंतहा पसंदी की ना कोई गुंजाइश थी. उसके इर्द गिर्द के ममालिक जो थे वो इंतहा पसंदी का शिकार थे. पाकिस्तान में नहीं होता था. पाकिस्तान में मेरे और आपके पेरेंट्स जो हैं, हमारी माएँ, वो बाइसिकल्स पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाया करती थी, कोई तंग नहीं करता था. तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो पहले 20 साल हैं, बल्कि 30-35 साल हैं बनने के बाद, वो तो इंतहाई खूबसूरत साल थे और पाकिस्तान सेकुलरिज्म की तरफ टिल्टेड था. तो ये कहना कि जिन्ना ने पाकिस्तान दिया और जिन्ना की डेथ के 30 साल के बाद कुछ जिन्ना का कसूर था या पाकिस्तान मूवमेंट का कसूर था, ये बड़ी लुडिक्रस किस्म की बातें हैं और कोई सीरियस आदमी इनको सीरियसली नहीं लेता, सिवाय उनके के या जिन्होंने तारीख नहीं पढ़ी या जो किसी किसी मकसद के तहत ये कहना चाहते हैं. तो सिमिलरली करारदाद मकासद के लिए भी यही आर्ग्यूमेंट है. पाकिस्तान आफ्टर ऑल मुस्लिम्स की वेलफेयर के लिए बना था, एक खास मुस्लिम्स की, और करारदाद मकासद में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि पाकिस्तान के बनने के या पाकिस्तान के आइन के मुतरादिफ हो या कोई नई बात हो. करारदाद मकासद ने कागज में वो सब कुछ डाला जो पाकिस्तान मूवमेंट थी. करारदाद मकासद 1949 में हुई. अब आप कहें जी 1985 में एक जिन आ गया, उसने करारदाद पाकिस्तान में दोबारा डाली और ओ जी ये इसकी वजह से इस्लाम सेक्टेरियनिज्म और ये सारी चीज़ें हैं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टूपिड एंड डाउनराइट मोरोनिक आर्गुमेंट. लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि जो बुनियाद रख दी जाती है चीज़ें, क्योंकि अगर कोई अच्छा भी काम हो या बुरा भी काम हो तो वक्त के साथ साथ उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आते हैं. तो क्या आप ये समझते हैं कि ये रिजल्ट्स जो हैं आज हम देख रहे हैं इतने अरसा गुजरने के बाद, जो हमें 50s में नज़र नहीं आते थे, अगर वो प्रोड्यूसर साहब वो स्लाइड्स जिस किताब का आप दे रहे हैं उसमें जिक्र करें, जिसमें बीच पे भी 60s में देखें यूथ जा रहे हैं, वो देखें हिपीज पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान की कराची की बीच दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, तो मेरा ख्याल है किसी भी वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा है. तो फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो जिहाद और ये फंडामेंटलिज्म या सो कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म, एक तो ये सारे नाम ही अजीब वाहियात किस्म की टर्मिनोलॉजीज पर रखे हैं उन लोगों ने जिनको इनका मतलब ही नहीं आता. तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि इसका बीज असल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला था जब वो इस्लाम लेके आए थे. सही. अच्छा, एक और क्वेश्चन उठता है कि जो पाकिस्तान की आइन में देरी हुई, क्योंकि इंडिया ने तो बना लिया जल्दी से, अपना आइन बना दिया और एक एक रास्ते पे चल पड़े. पाकिस्तान के आइन में जो देर हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी कि उसमें जो है वो इस्लाम के मुताबिक आइन बनाया जाना था, तो उस पर इकट्ठा करना लोगों को मुश्किल हो रहा था. इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? ये भी बड़ी लुडिक्रस आर्ग्यूमेंट है. पता नहीं लुडिक्रस का लफ्ज मुझे कितनी दफा इस्तेमाल करना पड़ेगा. वाहियात आर्ग्यूमेंट है. उसकी वजह यह है कि जो लोग ये कहते हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की 50 की दहाई की तारीख. पाकिस्तान के आइन के बनाने में बेसिकली दो वजूहत थी जिसकी वजह से डिले हुआ. एक तो पाकिस्तान वॉज मेंट अ स्टेट दैट वॉज टू डाई. इट वॉज नॉट सपोज टू हैव फाइनेंशियल एसेट्स. It was not supposed to have an army, a defense.
It was to be inundated by refugees. It had to face the Kashmir problem. It had to face the deaths of two of its leaders, two of the founding fathers within 3-4 years. So Pakistan ki ek to ye hai ki Pakistan ke existential problems bahut hai. Jab aapke existential problems hote hain to phir aap आइन की और कानून की और इन चीजों में नहीं पढ़ सकते. ये तो छोटा रीजन है. जो बड़ा रीजन था वो पाकिस्तान का जोग्राफिया था. पाकिस्तान का जोग्राफिया और पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक्स का उर्दू में मतलब होता है आबादी का तनासब. एक तरफ आपके चार सूबे थे जो एरिया ज्यादा कवर करते थे, प्रॉस्परस थे, कैपिटल था, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थी. दूसरी तरफ 1000 मील दूर आपका ईस्ट पाकिस्तान था जिसकी सिर्फ एक्सपोर्ट थी लेकिन उसकी आबादी ज्यादा थी. तो दुनिया में ना ऐसा मुल्क पहले कभी बना ना इस ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन के साथ ना बाद में बने. सही. तो गदाई कोई गदाई होगा जो ये कहेगा कि जी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे बनना चाहिए था. एक तरफ एक नया मुल्क है, इट हैज टू स्टार्ट एन्यू. एक तरफ एक एस्टेब्लिश्ड मुल्क है. इंडिया में दफ्तर बने हुए थे, सिविल सर्वेंट्स जस्ट टुक द सीट्स दैट द ब्रिटिश वैकेटेड. पाकिस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी और पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी एक डेस्क को शेयर करते थे. कांटों से कॉमन पेंस का काम लेते थे. बिजली होती नहीं थी. तो ये बात. और सबसे बड़ी, कोई एलिमेंट्री स्टूडेंट भी, बच्चा भी हो पोलिटिकल साइंस का, उसको आप पाकिस्तान का 1947 में नक्शा दिखाएं, उसका आईन बनाना बहुत मुश्किल काम था. पहले एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट हुई, फिर दूसरी हुई. प्रोड्यूसर्स आप तस्वीरें दिखाएंगे, उन तमाम लोगों के शामिल थे. फिर बोगरा फॉर्मूला हुआ, फिर थक हार के आखिर में वन यूनिट किया गया ताकि पैरिटी हो जाए और फिर आइन दिया गया. पाकिस्तान का आइन बनाना मुश्किल था, चीजों की वजह से बहुत मुश्किल. ठीक. एक और, क्योंकि आज हम मिसकंसेप्शंस ही क्लियर कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज के प्रोग्राम में भी ज़रूरी है. ये बहुत एलिगेशन कायद अजम मोहम्मद अली जिना पे लगता है कि वो जो थे ब्रिटिश की साइड पे थे और उन्होंने हमेशा उनकी साइड ली और कुछ लोग उनको ब्रिटिश का एजेंट कहते हैं. तो इसमें क्या मतलब है? तो गलत बात, लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात सीरियसली बताता हूँ कि जसवंत सिंह की किताब जो है, जो उन्होंने लिखी है जिना के ऊपर, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और जिना का बड़ा काफ़ी नेगेटिव रूप भी उसमें दिखाया गया है. सिमिलरली और इंडियन ऑथर्स हैं जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं, कोई भी जिना को ब्रिटिश का या ब्रिटिश से कोई रिलेशन नहीं शो कर सकता. उसकी वजह यही है कि इवन अगर इंडियन भी कोई है और उसने तारीख पढ़ी है तो वो इस कंक्लूजन या इस पे नहीं पहुंच सकता. शिमला डेपुटेशन को कहते हैं कमांड परफॉर्मेंस, जिना ने उसको अपोज किया. बाकी मुसलमान एक तरफ, जिना एक तरफ. फिर जब दोनों मुख्तलिफ रास्ते पे जा रहे थे तो दोनों कम्युनिटीज को कांग्रेस की लीडरशिप और मुस्लिम लीग की लीडरशिप से इकट्ठा किया, लखनऊ में लेके आए, अकॉर्ड करवाया. किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ताकि ब्रिटिश चले जाए. उसके बाद रोलेट एक्ट हुआ. रोलेट एक्ट में भी जिना ने ब्रिटिश के खिलाफ बोले, तकरीर की, प्रोटेस्ट किया. क्योंकि रोलेट एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज ऐसे थे कि कोर्ट में प्रोड्यूस किए बगैर आप इंसान को कैद कर सकते थे. खिलाफत में वो बिल्कुल ही अलग हो गए क्योंकि बाकी सारे ऑपरचुनिस्टिक थे. उन्होंने कहा दीन का सहारा लेके बन जाओ, मुझे कंप्लीट करने दें. दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में, शाह साइमन कमीशन में, दोनों में बेचारे तमाम मुसलमान लीडरशिप से लड़ाई कर ली ताकि कांग्रेस को ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स दे दें. जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का रोना रोते हैं वो बड़ी कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि जिन्ना ने लड़ाई की कि चलो यार अगर कांग्रेस एक बात पे अड़ गई है तो मैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स कर दूं. उन्होंने दे दिया प्रपोजल, वो नहीं मानी, हिंदू महासभा आ गई. नेहरू रिपोर्ट जब आई तो मोतीलाल नेहरू साहब जो एक मॉडरेट थे नेहरू रिपोर्ट से पहले, नेहरू रिपोर्ट के बाद वो एक एक्सट्रीमिस्ट से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए. वो यूनिटरी गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें सूबे ही नहीं थे, ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ना रिजर्वेशंस, कुछ भी, सब कुछ ही गोल कर गए. तो जिन्ना ने पहली दफा कहा था कि ये पार्टिंग ऑफ वेज है, फिर 14 ने कहा था है, फिर बेचारे कोशिश करते रहे 1938 तक जब उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्री यानी कि एक म्यूनिसिपल ज्वाइंट इंडिया देखा. उसके बाद भी कोशिश करते रहे. उसके बाद यहाँ तक कैबिनेट मिशन प्लान में जब
तमाम वोट ले लिए पाकिस्तान के हक में, तो फिर भी कोशिश की कि अगर राइट्स मिल जाएं तो यूनाइटेड इंडिया ले लूं, और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, क्या उनका माउंटबेटन के खानदान या माउंटबेटन की वाइफ के साथ कोई ताल्लुक था? क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया के एसेट्स फ्रीज हुए थे, फाइनेंशियल एसेट्स? क्या इंडिया का पानी बंद हुआ था? क्या इंडिया का असला रुका था? सही। गांधी जी ने फास्ट किस लिए किया? गांधी जी को क्यों कत्ल किया गया? कि वो पाकिस्तान का जायज हक चाहते थे। रेफ्यूजीज ने किसको डिस्ट्रॉय किया? कश्मीर का इशू किस पे हुआ? माउंटबेटन किसकी तरफ था? इवन एवरी इंडियन विल टेल यू ही वाज ऑन द साइड ऑफ नेहरू एंड द कांग्रेस पार्टी। इस सारी तारीख के बावजूद अगर कोई इंसान ये कहता है तो वो इतना कोई बेवकूफ है। इवन मेरा ख्याल है ये जसवंत सिंह के, अडवाणी और वाजपेयी, इन लोगों के भी न्यूट्रल जब बयान देखते हैं तो उन्होंने भी ये कायद अजम के बारे में एक बात सबने यूनानिमसली कही है कि वो सेल्फ मेड थे, यानी वो अपने गोल्स उन्होंने खुद सेट किए करते थे और उस पर उसके ऊपर डिटरमेंट। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। जो जब कॉन्शियंस का अटैक हुआ, खैर वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब तो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, जसवंत सिंह साहब भी, दे पेड फॉर देयर कैरियर्स बट दे स्पोक द ट्रूथ। नो पाकिस्तानी, नो कॉन्शियंशियस इंडियन विल टेल यू दिस। हाँ, दीज सूडोज हु हैव नॉट रेड अ बुक, मैं इनके बारे में पिछले प्रोग्राम में जरा ज्यादा बुरी बातें कर गया था, बट आई डोंट थिंक दे डिजर्व माय एंग्विश आल्सो। सही। इसके बाद एक चीज है कि जब हम ये बात करते हैं कि कायदे आजम एंड तक कोशिश करते रहे कि एक यूनाइटेड इंडिया की वो शक्ल देखते रहे, अभी ब्रेक का वक्त हो गया, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक छोड़े जाती हूँ कि जो अगर कायदे आजम इस बात पे, ये उन पर एक और एलिगेशन है कि वो 30% 20% से शुरू हुए और 50% जो है वो वोट उसके ऊपर, सीटों के ऊपर चले गए, तो इन बातों में अगर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा जाते तो शायद नेहरू और पटेल भी उनकी बात जो है वो सुन लेते। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो तहरीक है या कायदे आज़म की ज़ात है, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं और मिसकंसेप्शन इस हद तक फैल चुके हैं कि वो हकीकत लगने लग गए हैं, और ख़ास करके हमारी यंग जनरेशन वो भी इन सवालों को क्या इन एलिगेशंस को सच समझती है। आज के प्रोग्राम में कोशिश है कि उन सब पे बात की जाए। एक और इमरान, जो भी मैंने ब्रेक से पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि कायदे आज़म की इस बात पे के या मुसलमानों की इस डिमांड पे जो कि बढ़ती जा रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने परसेंटेजेस के मुतालिक सवाल पूछा था, ये जसवंत सिंह साहब ने और कुछ और लोगों ने भी ये बात उठाई है कि मुसलमान शुरू तो गए थे 25% से, एक्चुअली भी 25% थे, फिर 30% मांगना शुरू हो गया, ये नैरेटिव जो है बयान कर रहे हैं, 30% मांगना शुरू हो गया, उसके बाद 50 पे चले गए और आखिर में इक्वालिटी मांगते थे, पैरिटी मांगते थे, पैरिटी का लफ्ज बड़ी दफ़ा यूज होता है। ये बड़ी मिसकंसीव डिबेट है बाकी सारी बातों की तरह, इन पर बात करते हुए भी इंसान को कई दफ़ा हैरानगी होती है कि इंसान को ये डिफेंड करना पड़ता है। 30% 1/3 पे 33% तक ज़रूर जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर में मांगा था मुख्तलिफ अदवार में, क्योंकि ये सबसे बड़ी माइनॉरिटी थी, और इसके साथ वेटेज का प्रिंसिपल दिया था उन सूबों में कि जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में, वहाँ भी कांग्रेस को उससे ज़्यादा सीटें दी जाएँ जो माइनॉरिटी की थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 का मकसद ये था कि तब भी सिंपल मेजॉरिटी से मुसलमानों की हर डिमांड, हर चीज़ ख़राब की जा सकती थी, इसलिए वो 1/3 मांगते थे। उसके बाद जो पैरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस वेवल साहब ने करवाई थी, उसमें भी इंटरिम गवर्नमेंट का जिक्र हो रहा था कि इंडिया को आज़ादी से पहले जो ट्रांजैक्शंस करनी है, उसमें जिन्होंने पैरिटी मांगी आखिर में एक कम पे तैयार हो गए, सिर्फ ये कहते थे कि तमाम मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हैं, और वो उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। दूसरा, पैरिटी की बात अगेन एक इंटरिम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान का शॉर्ट टर्म प्लान था। सो दीज टू विच वर एग्जाम्पल्स of what an interim government would do, which is a temporary government, when critical issues of the subcontinent are being divided.
तो ये मांगा था और ये बिल्कुल जायज था। मुख्तलिफ मौकों पे कांग्रेस ने कंसीड भी किया। बात फिर वही है कि जिन्ना के खिलाफ, पाकिस्तान मूवमेंट के खिलाफ कोई चीज ऐसी मिलती नहीं है, तो फिर आप इस किस्म की बातें करें। सही। एक और बात है जो बहुत दफ़ा की जा चुकी है, बहुत दफ़ा की जा चुकी है, लेकिन इस प्रोग्राम में भी करनी ज़रूरी है कि जो अगर मुसलमानों के ही राइट्स की बात थी तो मुसलमान अगर यूनाइटेड रहते और एक ही मुल्क में रहते तो ज़्यादा बड़ी ताकत बनते। और दूसरा ये कि जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को वहाँ पर छोड़ दिया गया, तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनके इंटरेस्ट और राइट्स की बात किसने करनी थी? देखिए, ये आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम 25% होते यूनाइटेड इंडिया का, तो शायद हमारे पास इतनी पार होती कि हम इंडिया में तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरी चाह सकते। इट्स अ प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें सोचनी है। इससे ये जाहिर होता है कि चूंकि हमने पाकिस्तान ले लिया, इसलिए जो इंडियन सेक्युलर रिपब्लिक है वो मुसलमानों का गोश्त काट रही है और उनका खून पी रही है। बदले में 12% बेचारे हैं, उनके बदले में द इंडियन सेक्युलर रिपब्लिक इज टेकिंग अ रिवेंज ऑन द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। इट्स नॉट गिविंग अ फ्लैट टू शबाना आजमी, इट्स मेकिंग जावेद साहब बी डिफेंसिव ऑल द टाइम, द काउ बैन एंड द स्टफ। अगर ये आर्ग्यूमेंट मान लें तो फिर याद रखें, अगर ये बदले की रियासत है वो, तो फिर जब आप 25% होते हैं, आपके पास रेजर थिन मेजोरिटीज थी पंजाब और बंगाल में। सही। वो दो डिस्ट्रिक्ट इधर उधर करते, आपकी मेजोरिटीज मिनोरिटी में बन जाती। इकोनॉमिकली आप बहुत पीछे थे, बिजनेस आपके पास नहीं थे, तो आप तो अपने मेजोरिटी सूबों में भी मार्जिनलाइज्ड होते। सही। जैसे कि पंजाब और बंगाल में था पहले। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा आपको अच्छी तरह पता है कि यूनाइटेड इंडिया, जिसकी ये भारत माता की बातें करते हैं, उसका पाकिस्तान तो हिंटरलैंड था, नो इंडस्ट्री, हार्डली एनी क्रॉप्स, फ्यू कंटोनमेंट्स, अ बफर स्टेट बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। व्हाट डिड यू डू? इवन द ब्रिटिश कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर द एरियाज कंप्राइजिंग पाकिस्तान। टू एक्सपेक्ट द नैरो माइंडेड कांग्रेस टू डू समथिंग, देन इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, स्पेशली द पुअर कश्मीरीज, दे हैव बीन अंडर द ब्रंट ऑफ द इंडियन मिलिट्री। दे वुड हैव सेंट यूनिट्स इनटू पंजाब at one time, into Bengal another time. They would have imposed central rule. The Indian Federation is hardly a federation, it's more of a unitary form of government. सही। तो ये वही लोग बात कर सकते हैं जिनको रियलिटी का नहीं पता। और बात फिर वही है, जिन्ना का थीसिस गलत हो जाता, मैं आज आपके सामने बैठ के कहता, मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि असल में जब हम इन जिन्ना के थीसिस की बात करते हैं और कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जिन्ना के थीसिस के नतीजे में या प्रूव हो गया वो ठीक या गलत, तो थीसिस बेसिकली आप क्या समझते हैं, था क्या थीसिस? ये था जी कि जितने मुसलमान हैं यूनाइटेड इंडिया में उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए, उनके पास तीन किस्म के सेफ गार्ड होने चाहिए, पोलिटिकल सेफ गार्ड, रिलीजियस सेफ गार्ड एंड सोशल सेफ गार्ड। सही। और उनके लिए दो टूल्स थे, एक तो ये कि उनकी मेजोरिटीज जिन प्रोविंसेस में थी उनको डिस्टर्ब ना करते, सेंटर में कोई रिप्रेजेंटेशन होती, और इंडिया में फुल फेडरेशन, मोर देन अ फेडरेशन होती, तमाम सूबे आजाद होते, द कैबिनेट मिशन प्लान ट्राइड टू एड्रेस इट। यानी मुख्तसरन ये कि ये कायदे आजम की कोई रिलीजियस वॉर नहीं थी, वो पॉलिटिकल जो है वो राइट्स की बात करते थे, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स की। जी, पॉलिटिकल राइट्स की बात करते थे, लेकिन रिलीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अनलाइक दी सूडो इंटेलेक्चुअल्स हु कीप हार्पिंग एंड बार्किंग। रिलीजन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो मुसलमानों की बात कर रहे थे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर बीइंग परसेक्यूटेड Because they don't belong to the majority. लेकिन पहले जब हम बात करते हैं, बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हुए हैं कि पहले तो वो एज अ नेशनलिस्ट सोचते थे, उनके तो जहन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मुसलमान क्या और हिंदू क्या, तो ये कॉन्सेप्ट भी वक्त ने उनको दिया। जी बिल्कुल, मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं कि एक दफ़ा रति के की डेथ के ऊपर क्राई किया था, एक दफ़ा नेहरू रिपोर्ट के ऊपर, नेहरू रिपोर्ट पार्टिंग ऑफ वेस्ट है, क्योंकि उनके उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके दोस्त मोतीलाल नेहरू, व्हेन ही प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, इट विल बी अ रिपोर्ट दैट इवन द हिंदू महासभा कुड नॉट हैव प्रोड्यूस्ड। तब भी बेचारे ढीठ थे वो, जो लोग इकबाल की मदासराई करते हैं, कई लोग
जिना के एक्सपेंस पे, वो ये कहते हैं कि जब तक जिना को ठोकरें इतनी ना पड़ी उनको समझ नहीं आई, और जब इंतहा की ठोकर पड़ी तो इकबाल रोट लेटर्स टू जिना, जिसकी वजह से जिना बदले। जिना वॉज अ डाई हार्ड नेशनलिस्ट हू वॉन्टेड, हू बिलीव्ड इन अ फेडरल सिस्टम, प्रोड्यूसर्स ऑफ फेडरलिस्ट पेपर्स के मौजूदों की तस्वीर दिखाएं। जिना वॉज इवन अ ग्रेटर फेडरलिस्ट देन द ऑथर्स ऑफ द फेडरल रिपब्लिक और द फेडरलिस्ट पेपर्स ऑफ द US। ही वॉन्टेड अ यूनाइटेड इंडिया where all nations could breathe, could dream, could be themselves. फिर ये कि वो मुसलमानों के लिए इस नतीजे पे पहुँचे कि एक अलहदा रियासत होनी चाहिए जहाँ पर वो अपनी जो है आज़ादी के साथ मजहबी और सियासी और समाजी तरीक़ों से चल सकें। तो ये एक थ्योरी बन गई फिर उनके नज़दीक। ये बात शायद पाकिस्तान के आइडियोलॉग्स को पसंद आए मेरी, लेकिन जिना का एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन थी जो टू नेशन थ्योरी थी, इट वाज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन फॉर हिम, इट वाज अ पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग कार्ड फॉर हिम। ही डिड बिलीव इन डिफरेंसेस, बट इन हिज हार्ट्स ऑफ हार्ट्स एंड इन हिज रियलम, इन हिज नेशनलिस्टिक रियलम, इन हिज मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड ऑल, ही वांटेड अ फेडरेशन ऑफ इंडिया विद लिमिटेड सेंट्रल पावर्स एंड पावर्स डिवॉल्व्ड टू ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द हिंदूज, the Muslims, the Christians, and the scheduled castes, and for India to live united forever. But whenever he tried that, he was met with such a hard stone wall. And when he saw the Congress ministries, even then he kept trying, because a person who can agree to the cabinet mission plan and dig Pakistan into the ground after winning the election on Pakistan, I think he still believed in united India. The Pakistan ideologues won't like it, but he believed in a united India in which the Muslims could breathe and follow their religion and be themselves. And when he found out that on July 10th, 1946, that dream was shattered by Nehru's press conference, I'm afraid then he must have thought that I must get a separate state. And maybe the two states can live amicably, just like the Monroe Doctrine of the US and Canada. Sahi. And maybe that was the best. Yeah. Sahi. So, kahan par, where will you put the creation of Bangladesh? The creation of Bangladesh, again, has got nothing to do with the founders of Pakistan or anybody else. It's a very long topic. इसको कहा जाता है ना कि वो बहिरा बंगाल में बहा दिया टू नेशन थ्योरी को। जी आप बड़ा कुछ कह सकते हैं, आप उससे पहले भी डुबो दें टू नेशन थ्योरी को, बाद में भी डुबो दें, अगर लाहौर में धमाका हो आप कहें टू नेशन थ्योरी डूब गई। द टू नेशन थ्योरी इज स्टिल वैलिड। हियर वाज अ मैमोथ स्टेट जो तीन तरफ से, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, आपको सराउंड करती थी, आपको लिबरेट किया सो कॉल्ड उन्होंने, द गुड फॉर। Yet, nobody now, nobody then, and nobody in between wants to join India, the so-called shining India, the prosperous India. And if you look at the rulers, teen chathai, probably in English it is called 75% or more, 75% of maybe 80 to 85% of Bangladesh's life, it has been pro-Pakistan and pro-India. Let's see who. After Mujibur Rahman, you have two long rulers, Hussain Muhammad Irshad and General Zia-ur Rahman, then General Zia's daughter, and others in between who were pro-Pakistan. So if the two-nation theory was wrong, you should have had a Bangladesh, which for most of its history should have hated Pakistan. It should not have clapped for Pakistan. And if I were a Bangladeshi then, I should have joined India. मतलब मुख्तसरन ये कि टू नेशन थ्योरी जो है वो तब ख़त्म होती जब वापस इंडिया के साथ बांग्लादेश जो है वो मिल जाता। तो नाज़रीन इस पर अभी अगले दो सेगमेंट में हम और बात करेंगे मिसकंसेप्शंस ही के बारे में। सो फार जो है कुछ जो भी हम कोशिश कर रहे हैं होपफुली आप उससे इस्तेफादा ले रहे हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उन मिसकंसेप्शंस की, उन झूठों की जो पाकिस्तान को लेके, कायदे आज़म को लेके इतने तवातर से और इतने ढिठाई से बोले जा रहे हैं कि उस पर आम लोग और नई जनरेशन खास करके यकीन करने लगी है। इस पर फ़र्ज़ है कि हम उन बातों पर बात करें, और अगर सच्ची बातें हैं तो भी मान लें, और अगर वो झूठ बोला जा रहा है तो उसको भी साबित करें। एक और चीज़ इमरान जहन में आती है कि जैसे एक लीडर का हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है, और फार साइटेड लीडर का, कि वो ये चीज़ें तसव्वुर कर लेता है कि अगले एक लीडर में और एक आम पॉलिटिशियन में यही फ़र्क होता है कि आने वाले दिनों को, आने वाली नस्लों के लिए वो तसव्वुर कर लेता है। लेकिन क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था या जो उनका आइडिया था वो उनकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो गया और पाकिस्तान वो नहीं रहा, तो क्यों वो नाकाम हुए अपनी अपनी विजन को, या अपनी जो भी वो उनके ख्यालात थे उसको अपने नेक्स्ट लीडर्स में या नेक्स्ट पॉलिटिशियंस में ही मुंतकिल करने में? नहीं, पाकिस्तान के अगेन दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिवियल आर्गुमेंट, बिकॉज पाकिस्तान हैड ग्रेट पीपल लाइक लियाकत अली खान, लाइक चौधरी मोहम्मद अली, इवन द गुलाम मोहम्मद एंड इस्कंदर मिर्ज़ा ऑफ दिस वर्ल्ड, they had their contribution in towards Pakistan, and a leader like Ayub Khan, who was called a Solaris or a Greek mythical hero because of his development plans. Similarly, Hussain Shahid Sohrawardi. So Qaid Azam ka ye responsibility nahi thi ki wo apni siyasi aulaad ko produce karte. That was not his responsibility. And the most beautiful things in the world can go wrong, but I beg to differ. I think Pakistan has not gone wrong at all. Pakistan has faced its challenges. It's facing its challenges now, and Bangladesh faced its challenges, and it's facing its challenges now. But no Bengali would want to be an Indian citizen. Neither a Pakistani. Find me a Pakistani who would want to be an Indian citizen. They would rather embrace. एक और इसी की एक्सटेंशन है मे बी, के जो अर्ली फंडामेंटल से पाकिस्तान बनने के, क्या वो आज की रियलिटी के साथ टैली करते हैं? देखें, अगर आप ये पूछ रही हैं कि जिन्ना का पैगाम क्या है, व्हाट इज जिन्नास लेगेसी एंड इज इट पाकिस्तान ओनली, तो अगेन यू नीड टू लुक डीपर इनटू दिस मैन। दिस मैन इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान और अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट, ऑल्दो दैट वाज हिज फंडामेंटल ड्रीम। जिन्ना इज अबाउट फेडरेशंस। Jinnah is about minority rights in a democracy. Jinnah is about perfect democracies. Jinnah is about negotiations. Jinnah is about constitutionalism. Sorry. Jinnah is about higher noble ideals, morality, not lying. And these in fact, I'm afraid, even jin teen Indians ke aapne naam liye hain, वाजपेयी जी और अडवाणी जी और जसवंत, उन्होंने अपनी जिंदगियों में जिन्ना के आइडियल्स फॉलो किए। सही, और ये बात जो जो जसवंत सिंह की शायद किताब में ही है कि उन्होंने कहा कि कायदे आज़म को सिर्फ पाकिस्तान का कायदे आज़म नहीं कहना चाहिए बल्कि वो सब कॉन्टिनेंट के कायदे आज़म थे, तो ये इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? क्योंकि समटाइम्स वो उन्हीं की बुक में मैंने देखा कि वो थोड़ा सा गांधी जी को ले आते हैं एक मजहबी लीडर के तौर पर सिर्फ, और उनका उनको कन्फाइन कर देते हैं, और कायदे आज़म को वो सेकुलर और एक बड़े लेवल पे रखते हैं, तो ये बात आम लोगों को तो शायद बहुत नागवार गुजरती है, तो आप इस बात को कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो द टू प्राइमरी हीरोज, द टू प्राइमरी हीरोज ऑफ द सागा ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वर मोहम्मद अली जिन्ना एंड मोहनदास करमचंद गांधी। There is great to be said on merit about the two of them, and much below at a lower level we have the Nehrus and the Patels and the Abul Kalam Azad. So Jinnah is Jinnah for the subcontinent. Unfortunately, to write its own narrative of history and to defend the indefensible to defend those who actually vivisected Mother India for all they call it, वो आप इस किस्म की बातें करते हैं। जिन्ना और जिन्ना सब कॉन्टिनेंट का नहीं है सिर्फ,
जिना उस पूरी दुनिया के उन ममालिक का है जहाँ एक से ज्यादा नेशनैलिटी होती है, उनको अब्सॉर्ब करना पड़ता है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, उनको उनके राइट्स, और मैं बार बार आज लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको उनको सांस लेने की इस्तेतात, जिना उन तमाम लोगों के लिए, जिना युगोस्लाविया के लिए है, जिना की कई बातें अमेरिकन के लिए वैलिड है और अमेरिकन ने शायद ना चाहते हुए भी वो अपनाई है, जिना इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिना इज फॉर कैनेडा, जिना इज फॉर ऑल फेडरल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। द कैनेडियन एडमिशन प्लान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, एंड जिना इज एट इट्स हार्ट। एज यू ऑलवेज से ही इज अ बॉर्न फेडरलिस्ट, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ जो एज अ लीडर, जैसे आपने गांधी जी का भी जिक्र किया, कायद अजम की भी हम बात करें हैं, बड़े विजनरी लीडर्स थे और इनको सब ब्लड शेड के जिम्मेदार जो है, मतलब क्या ये लोग इमेजिन नहीं कर सके, ये बहुत मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये कि क्या इन लोगों के तसव्वुर में ये चीज़ क्यों नहीं थी कि ये सब होगा, और अगर नहीं तसव्वुर में थी तो ये कैसे लीडर थे? देखिए, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू, पटेल, इन तीनों को आप मुर्दे इल्जाम ठहरा सकती हैं। अगेन, द पाकिस्तानीज वोंट लाइक इट, बट द परपेट्रेटर्स ऑफ द जून 3 प्लान और द फाउंडर्स ऑफ द जून 3 प्लान वर दीज थ्री लीडर्स। हाउएवर, हियर द डिफरेंस, having said that, a broad general statement, things change here. Muhammad Ali Jinnah in 1946 wanted a united India with safeguards. When the cabinet mission plan was rejected on 10th July, and when the short-term promises of Sir Stafford Cripps were not fulfilled, and Congress was in contravention to all that said, Congress was invited to form the interim government. It was death for the political rights, political, religious and social rights of Muslims. So having been pushed to the wall, having been promised something else by the British and by the Congress, actually, you know, very few people know because people don't read. During the cabinet mission plan negotiations, Abul Kalam Azad had said that this is the most heroic document in the history of India, because it has brought India together. Everybody loved it before one man, and I don't know whether Patel was involved in it or not, but the creator of the bloodshed, a great man in his own right, Jawaharlal, he committed the greatest tragedy on 10th July 1946. And Jinnah was then pushed towards a separate state. Now, here was a person who had won an election on a separate state. He was willing to give it up. And here was Congress that had fought for a united India. But because they could not tolerate safeguards for the 25% Muslims of India, jiske bare mein bhi aapne sawal pucha ki shayad wo reh jate to theek ho jate. Bhai, unhone to मुल्क का बंटवारा करवा दिया, सही, क्योंकि वो उस 25% को सांस नहीं लेने देना चाहते थे। अगर पाकिस्तान ना बनता तो 25% की सियासी और पॉलिटिकल और सोशल मौत हो जाती। ठीक। अब बड़ी बदनसीबी है, उनसे 12% को राइट्स नहीं दिए जा रहे। सही। तो ये बातें हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉडली कहें, तीन लोगों का नाम मांगे जिन जो जो मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने ब्लडशेड कॉज किया, ब्लडशेड के लिए तो नेहरू पटेल आते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि जो आगे ना सोच सके कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगी, तो उसमें जिन्ना का भी नाम आता है, लेकिन जिन्ना वाज लेफ्ट विद, लेकिन जो डेट चेंज हुई पार्टीशन की, उसका भी रोल, और दूसरा जो बंगाल और पंजाब की या इस तरह की जो कुछ मुस्लिम मेजोरिटी के इलाकों में इस तरह की गड़बड़ करना, ये भी कॉजेज हैं शायद। जी, ये भी कॉजेज हैं। जो डेट चेंज हुई वो स्पेशली उसका प्लान ये था कि पहले आप कुछ राइट्स करवाएं पंजाब में, जब पंजाब में थोड़े से राइट्स हो जाएं तो कहें उफ ये तो मुल्क हाथ से निकल रहा है, और जो एक्चुअल डेट है जून 2015 की, उस वक्त तक बाउंड्री भी, सॉरी जी
1948 की, उस वक्त तक शायद बाउंड्री भी ठीक हो जाती, रेडक्लिफ भी धोखा ना कर सकता, वो तो भाग रहा था एक स्टडी के अंदर, सही। कश्मीर का इशू भी ना होता। इतनी ब्रिटिश आर्मी थी, आहिस्ता आहिस्ता जाते, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते। और मैं प्रोड्यूसर साहब सीरवाई की किताब दिखाएंगे, पार्टीशन ऑफ इंडिया मिथ एंड रियलिटी, द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया, द एडवोकेट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र, अ ग्रेट सन ऑफ अ सॉयल, अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। वो भी देखिए, जमीर जिनका होता है उनको लिखना पड़ता है, जो जमीर फरोश होते हैं, जो अपनी माँ को माँ नहीं समझते, वो उस किस्म के सवाल पूछते हैं जिनको हम आज निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, ये क्वेश्चंस अभी जारी रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पे, कायदे आजम पे। इमरान, एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या कायदे आजम का जो सफर था वो पाकिस्तान के बनने के साथ खत्म हुआ है या शुरू हुआ है? देखिए, ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले आपने से एक मिलता जुलता सवाल पूछा था, और वो ये था कि जिन्ना की लेगेसी क्या है। देखिए, जिन्ना की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इंडिया के मुसलमानों को, 75% मुसलमानों को पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक आज़ादी दी है। लेकिन यह एंड नहीं होता। जब भी दुनिया में कोई नया मुल्क अपना आइन बनाएगा जिसमें एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ रहती होंगी, तो फिर उसको वहीं देखना पड़ेगा। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर अपनी बका चाहते हैं, दोनों, पाकिस्तान नहीं सिर्फ, तो दोनों को जिन्ना के, इवन बांग्लादेश भी, बांग्लादेश भी, जिन्ना को अपने, बांग्लादेश थोड़ा सा कम इसलिए कि बांग्लादेश इज यूनी एथनिक, बांग्लादेश कैन अफोर्ड टू बी ए यूनिटरी स्टेट, इट विल सफर। But for Pakistan and India, it's mandatory that they follow Jinnah's path, Jinnah's negotiated path for their minorities and other communities. Pakistan does that, it will become a truly modern Muslim Islamic state. And if India cares to look into their worst enemy's teachings, India would realize that it would gain as a real secular and a real modern state, which it is not at the moment. सही। एक और आपकी वो खैर बात जो पिछली आपने बात की उसमें ये है कि जो जो बातें कायदे आज़म की अगर हम अडॉप्ट कर लें और उसको माइनॉरिटीज़ को राइट और सूबों को ऑटोनमस बना दें, और जो जो चीज़ें वो कहते थे वो नहीं की, तो तब तक पाकिस्तान ने सफ़र किया, ये एक और इसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए रवीना जी आपको बहुत इंटेलेक्चुअली डीप जाने की जरूरत नहीं है। तमाम नाजरीन जो है, तमाम सामीन भी, उनको चाहिए कि सवा सफ़े की तकरीर है, अगस्त 11, 1947 वाली, सवा सफ़े की। सही, क्योंकि नैरेटिव बिल्ड होते हैं, उसका एक जुमला तो सबने सुन लिया, हिंदूज शैल सीज टू बी मुस्लिम्स, उसके 7 पैराग्राफ्स और हैं। करप्शन, नेपोटिज्म, ईमानदारी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अपराइटनेस एंड डिफेंडिंग योर कंट्री, तो वो तो मैग्ना कार्टा है किसी मुल्क के लिए भी, किसी नेशन के लिए भी, वो इट सेल्फ है। तो चलें बाकियों को छोड़ दें, लेट्स बिकम सेल्फिश टुडे। फॉर पाकिस्तान इट इज एसेंशियल टू कीप जिनास टीचिंग्स एज अ रोल मॉडल। दे आर एसेंशियल फॉर पाकिस्तान survival, Pakistan's prosperity and Pakistan's growth. सही। इमरान, एक और एलिगेशन है, वक्त कम है इसलिए बात को, जो पाकिस्तान के बारे में ये बात की जाती है, बल्कि ये जसवंत सिंह की किताब में भी नज़र आया कि टेररिज्म को एज एन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, स्टेट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए उसको अपना लिया गया है, तो ये बात, ये इल्ज़ाम या ये जो एलिगेशन पाकिस्तान पे लग रहा है, इससे आप कहाँ तक? ये भी बड़ा फेसाइल आर्गुमेंट है, लेकिन चूंकि आजकल ये लिया जाता है, तो इसका बड़ा मेरे पास सिंपल सा आंसर है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स पे 2 दफा स्टेट टेररिज्म हुई है। एक दफा मुक्ति पानी की फॉर्म में, बांग्लादेश में, When आप
बड़ी प्रो इंडियन किताब है आर्चर ब्लड की, जो कौंसल जनरल थे ढाका में, उनकी किताब है द ब्लड टेलीग्राम। ब्लड टेलीग्राम के अंदर आपको पता चलता है कि फुल फ्लेश्ड एफर्ट थी ट्रेन करने की, भेजने की, कत्ल करवाने की। और ये जो तीन रातों में जो तमाम दुनिया ने अब लिखा है और जो हम गलत कर देते हैं, 1.5 लाख नॉन बंगालीज का कत्ल हुआ था, 1.5 लाख, 1.5 लाख भी नहीं, मेरे ख्याल में 10 कम कर रहा हूँ उसमें से, उनका कत्ल हुआ था। बहिमाना एंथनी मैस्करेनस का एक कॉलम जो है वो पाकिस्तान बिरेटर्स लेते हैं, उसका एक यूट्यूब पे इंटरव्यू है, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रोड्यूसर साहब पहले 15 सेकंड जरा दुनिया को सुनवाएं कि उसने क्या कहा था कि नॉन बंगालीज का। I don't think we'll have an accurate figure ever. People have just vanished. But you may recall something I wrote on the 2nd of May was that this first started off with the explosion of hatred when the Bengalis went and massacred thousands of non-Bengalis, Biharis and West Pakistanis. I put that down to about 100,000 people. Ji, to terrorism wahan hui, Pakistan ka pani band karna terrorism hai. पाकिस्तान के स्टेट एसेट्स रिलीज ना करना टेररिज्म है। सही। कश्मीर को एक वैली ऑफ डेथ बनाना, अपने वादों पे पूरा ना उतरना, बड़ी फेवरेट आर्गुमेंट है कि जी प्लेबिसिट तो था, लेकिन प्लेबिसिट की कंडीशन ये थी कि इंडियंस थोड़ी सी फोर्सेस छोड़ दें, पाकिस्तान सारी खत्म कर दे, किसी हद तक सही है, लेकिन उसके बाद जो जारिंग का प्लान और बाकी प्लान और बाकी 10 प्लान है जिसमें हर इंसान ने लिखा कि पाकिस्तान इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज बट द इंडियंस डोंट। सो कश्मीर पे स्टेट टेररिज्म, एंड रिमेंबर इफ यू विल हैव स्टेट टेररिज्म इन कश्मीर एंड इफ द पाकिस्तानी स्टेट मूव्स इट्स बट अराउंड ट्राइंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर इनटू योर टेरिटरी, इट वोंट बी एबल टू डू सो। मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि अगर आपके, लेट मी आस्क द ब्राह्मण्स, आपके भाई बहन बेटी उनकी इज्जत महफूज ना हो, उनको कत्ल हो जाए और डिसअपीयर्ड हो 7-8 हज़ार ग्रेव्स में, मैं आपसे पूछूंगा कि आप फिर क्या करेंगे? कभी सोचिए कि आपकी बहन भाई इनके साथ। तो पाकिस्तान हैज बीन अ विक्टिम ऑफ स्टेट टेररिज्म, एंड यस वन शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन डन एंड अगेन बाय इंडियन एग्रेशन, पाकिस्तान हैज टू रिजॉर्ट टू non-conventional responses. Now, when you will have cold start on Pakistan's borders, cantonments that want to go into Pakistan, Pakistan will have to have tactical nuclear weapons. Sahi. Pakistan will have to respond. सही। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो अपने डिफेंस के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है या उनको ये तरीकाकार अपनाना पड़ा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के वो हिस्से जिनको फील होता है कि उनके उनके ब्रदर्स सिस्टर्स और किड्स आर नॉट सेफ, दे विल फाइट द पाकिस्तान आर्मी। तो इमरान, ये जो प्रीमियर पाकिस्तान की जो बुनियादी एक पॉलिसी बन गई हुई है इंडिया की तरफ हॉस्टेलिटी की, जो कि एक परपेचुअल और हम कंसिस्टेंट देख रहे हैं, तो क्या ये आप इससे एग्री करेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये है या अदर वे अराउंड हम इसको देखने भी देखा जा सकता है? देखिए, तो पता नहीं कैसे ये कोई जुमला लिख सकता है, फिर बात वहीं से शुरू हो जाती है। द स्टेट दैट वाज मेंट टू डाई वाज पाकिस्तान, जिस स्टेट के पास पैसा ही नहीं होगा चलने के लिए, अगले दिन दफ्तर ही नहीं होंगे, उसका फाइनेंशियल एसेट्स रोक लें, उसकी डिफेंस की जीप्स भी रोक लें जिसके पास आर्मी नहीं होगी, उस पे कश्मीर का धोखा करें, फिर जब और कुछ ना चले तो उसके गरीब आवाम के लिए पानी रोक दें। उस दिन जिस दिन जो ब्रिटिश आर्बिट्रेशन वाले लोग जा रहे थे उस दिन आपने उनका पानी बंद कर दिया। सही। फिर डिसमेंबरमेंट पाकिस्तान की 1971 में आपने की, मुक्ति पानी को आपने ट्रेन किया, सियाचिन पे आपने कब्जा किया, और उसके जवाब में अगर पाकिस्तान कुछ करता है या अपनी स्टेट इंटेग्रिटी को रखता है तो आप ये जुमला दाग देते हैं कि पाकिस्तान इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। गो टू द लास्ट 2 इयर्स, लुक एट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लुक एट हिज एक्शंस।
सही इमरान, एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्योंकि आज हमने ये सब वो क्वेश्चंस या वो स्टेटमेंट्स नैरेटिव्स ढूंढ ढूंढ के अपने पास रखे हैं जिनके बारे में बात होती है, एक ये है कि रेंटेड स्टेट जो है वो लिंक नहीं हो सकती इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान, क्योंकि एक रेंटेड स्टेट है तो इसका लिंक नहीं बना सकती। देखिए ये भी सवाल किसी इंतहाई बेवकूफ ने लिखा है, फिलहाल तो मैंने लिखा नहीं, मैं आपने भी कहीं से लिखा होगा, जो 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 अगर मैं आज मान भी लेता हूँ, हालांकि मानते मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान एक रेंटेड स्टेट है और अमेरिका और ईयू और से वेस्ट वो इसको रेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को राइट्स दे इंडिया की ट्रेड के, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है वो नहीं मानता, वो पाकिस्तान को कहते हैं कश्मीर को भूल जाओ, पाकिस्तान नहीं मानता, वो कहते पहले कहते थे एक साइड लो, सऊदी अरेबिया क्या बदल गया है, हमने नहीं ली, हम मिडल में रहे, वो कहते थे सबसे ज्यादा जो उनकी दिली ख्वाहिश है जिसके जवाब में वो आपको मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को माला माल भी कर दें, वो चाहते थे आप बॉम्ब ना बनाए। आपने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के दुनिया की सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी नेटवर्क अगेंस्ट पाकिस्तान को करके नॉट ओनली हैव यू एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब, यू हैव आल्सो डेवलप्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स इन एंड योर सिक्योरिटी भी वॉशिंगटन समिट थी, प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, योर सिक्योरिटी ऑफ योर न्यूक्लियर वेपन्स इज प्रोबेबली nth times better than India's, and it is acknowledged everywhere. So you are securer, you are responsible, and the whole world wanted you to be non-nuclear. Yet you became nuclear. So when it comes to my own state, there is no rent here, and it's a laughable argument. इमरान, एक आखिरी क्वेश्चन है और उसका क्विकली जरा जवाब देने की कोशिश करें कि एक कहा जाता है कि इस पार्टीशन से मिला क्या? देखें ये भी पता नहीं कौन कहता है, रावल टीवी के हमारे प्रोड्यूसर मुइन सिद्दीकी और इदरीस साहब और इरफान साहब बैठे हुए ऊपर, ये एक कैमरा टीम जरा पाकिस्तान में और चले पाकिस्तान क्या बांग्लादेश में भेजें और पूछें आप में से कोई किसी को हम आज इंडियन शहरियत देते हैं आप लेना चाहते हैं, वो मर जाएगा, कोई हाँ नहीं करेगा। पाकिस्तान के डॉक्टर्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की के पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान के आर्मी मैन पाकिस्तान का क्लर्क पाकिस्तान का बिजनेसमैन उसको तो लीज ऑफ लाइफ मिली है, आस्क हिम वुड ही लाइक टू रिवर्स पार्टीशन, ये तो बेस्ट बातें बड़ी करते हैं, आस्क द पुअरेस्ट बंगाली हु वाज लिबरेटेड बाय द इंडियन आर्मी, आस्क हिम वुड यू वांट इंडियन इंडियन नेशनैलिटी, वुड यू वांट टू लेट गो ऑफ बांग्लादेश, कोई एक भी आपको नहीं मिलेगा। सो और अगर यही आर्गुमेंट लेनी है चले कुछ मान भी लेता हूं तो फिर आप इंडियन से पूछे कि उनके हाथ तो इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन भी कम थी ब्रिटिश के अंदर, लड़ाई भी नहीं थी, आर्मी का खर्चा भी नहीं था, शायद प्रोस्पेरिटी भी ज्यादा थी, गए वक्तों की बात करते हैं, उनको आजादी लेने की क्या जरूरत है, आजादी तो वो नेमत है विच ट्रांसेंड्स ऑल, और पाकिस्तान और बांग्लादेश चले बांग्लादेश का क्या जिक्र करना, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसके हर शहरी को मटेरियल साइकोलॉजिकल रिलीजियस पॉलिटिकल एंड एनवीएबल बेनिफिट्स हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने कोशिश की कि वो मिसकंसेप्शंस जो हैं, मेरे ख्याल में बड़ी कामयाब कोशिश है, इमरान अली ने बहुत अच्छे तरीके से वेल सर्च्ड और वेरी वेल रिसर्च्ड चीज़ें तारीख के साथ और नाम लेके उन ऑथर्स के और उन लोगों के जिन्होंने इनके बारे में बातें की हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को न्यूट्रल होके बताया, और उम्मीद है कि जिन किताबों के या जिन स्लाइड्स अभी हम इस प्रोग्राम में भी आपने देखी होंगी के बारे में हम ऑथर्स के बारे में बात की उनको हम खुद पढ़ के खुद एनालाइज करने की कोशिश करें बजाय इसके कि 40-50 मिनट के प्रोग्राम पे रिलाई करेंगे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।